नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य किस प्रकार बनाया जाता है। मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाइए से संबंधित प्रश्न मध्य प्रदेश की बोर्ड व लोकल परीक्षाओं में, CBSE की बोर्ड व लोकल परीक्षाओं में व प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हम देखते हैं मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य का रूपांतरण। तो हम सबसे पहले देखते हैं मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। वह वाक्य जिसमें एक प्रधान वाक्य हो और एक गौण वाक्य हो, यानी कि एक तो होता है इसमें प्रधान वाक्य और एक होता है इसमें गौण वाक्य, उसे हम कहते हैं मिश्र वाक्य। और संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, जब दो वाक्य आपस में समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा जुड़े हुए हों, उन्हें हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। जब दो वाक्य आपस में समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। समुच्चय बोधक शब्द होते हैं और, किंतु, परंतु, अथवा, या, इसलिए, ठीक है। और मिश्र वाक्य में क्या आता है, वाक्यों के बीच में जो आ सकता है, की आ सकता है, ठीक है। तो हम देखते हैं पहला उदाहरण, वह अपराधी था उसे सजा मिली। संयुक्त वाक्य में देखेंगे, वह अपराधी था इसलिए उसे सजा मिली। तो यहाँ पर देखिए संयुक्त वाक्य में क्या क्या समुच्चय बोधक शब्द आ गया, यानी कि दो वाक्यों को आपस में कितने जोड़ दिया, समुच्चय बोधक शब्द ने जोड़ दिया, जबकि इसमें समुच्चय बोधक शब्द नहीं था। फिर देखेंगे अगला, जब शीला बाजार गई तो पुस्तक खरीद लाई। अब हम इसे संयुक्त वाक्य बनाएंगे, शीला बाजार गई और पुस्तक खरीद लाई। तो देखिए और शब्द क्या है, यहाँ पे समुच्चय बोधक है जिसने दो वाक्यों को जोड़ दिया है। अगला हम देख रहे हैं, जो ही अचानक पुलिस आई त्यों ही गली में सन्नाटा छा गया। इसको हम संयुक्त वाक्य बनाएंगे, अचानक पुलिस आ गई जिससे गली में सन्नाटा छा गया। ये देखिए जिससे शब्द क्या है, यहाँ पर समुच्चय बोधक है जिसने दो वाक्यों को आपस में जोड़ दिया है। फिर है चौथा, मैं अकेला था चार गुंडों ने मुझे पीटा। इसको हम जब संयुक्त में लाएंगे तो क्या होगा, मैं अकेला था इसलिए चार गुंडों ने मुझे पीटा। तो यहाँ पर देखिए इसलिए ने दो वाक्यों को आपस में जोड़ दिया है। इसमें भी दो वाक्य होते हैं परंतु ये वाले वाक्य काफी जुड़े होते हैं, समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं। पांचवा देखते हैं, जब चोर दुकान का ताला तोड़ रहा था तब पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। तो हम देखेंगे इधर, चोर दुकान का ताला तोड़ रहा था लेकिन पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। तो देखिए ये लेकिन क्या है, समुच्चय बोधक शब्द है। तो ध्यान रखना मिश्र वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द नहीं आते हैं और संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द आते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। धन्यवाद।